भारत से सवर्ण दुनिया के जिस भी हिस्से में गए वहां जाति की बीमारी को साथ ले गए, लेकिन अब पूरी दुनिया जाति के इस वायरस को खत्म करने के लिए एकजुट हो रही है। अमेरिका के सिएटल शहर में जाति के आधार पर भेदभाव करने पर पाबंदी लगने के बाद अब अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में जातिवाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी हो रही है। जल्द ही अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में एंटी कास्ट लॉ बन सकता है, जिसके बाद जाति के आधार पर किसी से भी भेदभाव करना गैर कानूनी घोषित हो जाएगा। दरअसल कैलिफोर्निया स्टेट सीनेटर आयशा वहाब ने राज्य की विधानसभा में एंटी कास्ट बिल पेश किया है। बुधवार को पेश किए गए इस बिल में जाति के आधार पर भेदभाव करने को गैर कानूनी घोषित करने की मांग की गई है। इस कानून में नस्ल, जेंडर और फिजिकली डिसेबिलिटी आदि की तरह जाति को भी प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने का प्रावधान है। यानी जैसे अमेरिका में नस्ल के आधार पर ब्लैक्स के साथ भेदभाव करना एक दंडनीय अपराध है, वैसे ही अब जाति के आधार पर भेदभाव करना भी गैर कानूनी हो सकता है। अगर ये बिल पास हो गया तो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पहला राज्य होगा जहां कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पर बैन होगा। आई एम ऑनर्ड टू अनाउंस एसपी 403, एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ए सिविल राइट्स बिल। इससे पहले अमेरिका के सिएटल शहर में भी एंटी कास्ट बिल पास हो चुका है। आयशा वहाब अफगानी मूल की पहली अमेरिकी सांसद हैं। आयशा का कहना है कि उन्होंने अपने आसपास लोगों को जातिवाद का शिकार होते हुए देखा है। अमेरिका आने वाले साउथ एशियन लोग जाति अपने साथ ले आते हैं और इससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हम अब यहां बसने वाले लोगों के लिए अमेरिका को और अधिक सुरक्षित बनाना चाहते हैं, यह उनका बयान है। अमेरिका में बसे अंबेडकरवादी और एंटी कास्ट एक्टिविस्ट भी आयशा वहाब के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इक्वेलिटी लैब की थैनमोई सुंदरराजन का कहना है कि अगर ये कानून पास हो जाएगा तो अमेरिका में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी कामयाबी मिलेगी। It's a first in the nation bill because it would make California the first state in the country to end caste discrimination and provide caste equity protections for all workers in the state. अमेरिका में जातिवाद के कई मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले सिस्को केस ने सभी का ध्यान खींचा था, जहां कुछ सीनियर सवर्ण भारतीय अधिकारियों पर जूनियर दलित कर्मचारी के साथ भेदभाव करने का गंभीर मामला सामने आया था। मामला कोर्ट तक भी जा पहुंचा था। लगातार बढ़ते कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के कारण अब अमेरिका की सोसाइटी में कास्ट को लेकर जागरूकता बढ़ी है और अब वहां एंटी कास्ट लॉ बनाने की मांग तेज हो गई है। अमेरिका की करीब 23 यूनिवर्सिटी भी अपने यहां जाति के आधार पर भेदभाव करने को गैर कानूनी घोषित कर चुकी हैं। यानी जैसे यूनिवर्सिटी कैंपसेस में रैगिंग करना अपराध है, वैसे ही अब अगर वहां पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ होगा तो उसे भी अपराध घोषित किया जा चुका है। करीब 23 यूनिवर्सिटी ये कदम उठा चुकी हैं। यहाँ तक कि एप्पल जैसी बड़ी जो मोबाइल कंपनी है, जो फोन बनाती है, उसने भी अपनी एचआर पॉलिसी में कास्ट से जुड़े मसलों को शामिल किया कि हमारे यहाँ पर अगर किसी के साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा तो हम उसको सीरियसली डील करेंगे। ये उनकी पॉलिसी में शामिल हुआ है। अमेरिका की सिएटल सिटी काउंसिल भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर चुकी है। ये सिएटल पहला शहर था अमेरिका का जहां पर जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया गया था, और अब सिएटल से शुरू हुई ये लड़ाई जो है अब ये कैलिफोर्निया तक जा पहुंची है। तब सिएटल में भारतीय मूल की शमा सावंत ने हाउस में ये बिल पेश किया था और बिल पास होने के बाद सिएटल अमेरिका का पहला शहर बन गया था जिसने जाति के खिलाफ कानून बनाया था। हमसे बातचीत में तब शमा ने भी बताया था कि कैसे अमेरिका में रहने वाले सवर्ण भारतीय दलित बैकग्राउंड से आने वाले लोगों के साथ जाति भेद करते हैं। उनका ये बयान सुनिए। शमा, व्हाई देयर इज अ नीड टू ब्रिंग एन एंटी कास्ट बिल इन सिएटल? व्हाट आर द रीजंस दैट यू हैड टू यू नो ब्रिंग दिस बिल अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन सिएटल सिटी काउंसिल? रियली द फंडामेंटल रीजन, एंड आई एम सो ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, इज दैट एज the South Asian population has grown in the United States, in the immigrant community, also from other regions, we are seeing that the same scourge that exists in South Asia related to caste, caste oppression, caste discrimination is also being reflected in the United States. And we have more and more workers, in fact, hundreds of workers have spoken out, South Asian origin workers have spoken out about the caste discrimination that they are facing in the workplace, in other settings, social and public settings, and they have courageously spoken up. Dalit community members themselves have courageously spoken up. And this legislation, what it would do is it would ban caste discrimination. So, Sumit ji, jaisa aapne kaha, it will be illegal
to discriminate on the basis of caste. Obviously, this is only the first step, but it will truly be historic. अमेरिका में रहने वाले भारतीय अलग अलग तरीकों से लोगों की जाति पता करने की कोशिश करते हैं और उनके साथ भेदभाव भी करते हैं। अमेरिका में काम करने वाले अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष राम कुमार ने इस बारे में दिलचस्प जानकारी साझा की थी। आप सबको उनका बयान सुनना चाहिए। राम जी, हम भारत में देखते हैं दैट वी हैव यू नो सर्टेन वेज ऑफ कास्टिज्म। हमारे यहाँ तो बहुत ही मतलब स्ट्रक्चरल कास्टिज्म होता है, बट अगर हम यूएस के समाज को समझने की कोशिश करें कि अमेरिका जैसा एक मॉडर्न मुल्क है, एक आधुनिक समाज है, वहां पर जब यहाँ से लोग भारतीय लोग वहां पर जाते हैं तो वहां किस तरह से जाति उनके आड़े आती है, जातिवाद के क्या तरीके हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ कास्टिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन इन यूएस। तो सुमित जी, थोड़ा मैं पहले बैकग्राउंड से बताता हूँ। लाइक अमेरिका एक इमिग्रेंट्स का कंट्री है, ये बहुत इंडिया की तरह का ये नहीं कि हजारों साल से वहाँ पे लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर सिविलाइजेशन बनती बिगड़ती रही हैं। पिछले कुछ सौ साल की कहानी है यहाँ पे, दुनिया के जगह जगह अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पे आए हैं, अपनी कल्चर लेके आए हैं, अपने रहने के तौर तरीके लेके आए हैं, कुछ अच्छाई भी लाए हैं, कुछ उनके साथ साथ में जो बुराई है वो भी लेके आए हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की सोसाइटी ने बुराइयों को पहचाना है, उनके हिसाब से कानून बनते गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे रेस के आधार पे कानून होता है, जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे होगा, एज के आधार पे होगा, तो ऐसे बहुत सारे क्लियरली डिफाइंड है, वो समय के साथ में इवॉल्व हुए हैं, समय के साथ बनते गए हैं। तो जो कास्ट है यहाँ की कोई ओरिजिनल चीज नहीं है, कास्ट ये साउथ एशिया से आई है, साउथ एशिया से कहें तो मेनली इंडिया से, क्योंकि साउथ एशिया में बाकी कंट्री में भी होता है, लेकिन यहाँ की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन साउथ एशियन है वो इंडियन है, और उनमें भी जो स्टार्टिंग में आए वो डोमिनेंट कास्ट के आए हैं, क्योंकि इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है, वहाँ का जो है ना रिसोर्सेज है, एजुकेशन है, बाकी सुविधाएं हैं, वो ओप्रेस कास्ट के पास ऐसे नहीं थी, तो इतने लोग नहीं है, बहुत ही रेयर केस में आए हैं। तो ज्यादातर जो लोग पहले आए फिर वही यहाँ के अपनी कल्चर का अच्छाई बुराई बताएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग तो जानते नहीं है, और वो चीजें उजागर नहीं होने दिया। लेकिन पिछले कुछ दशक से, दो तीन दशक से जो है ना टेक रिवॉल्यूशन हुआ, फिर बाद में थोड़ा एजुकेशन लिबरलाइजेशन हुआ, तो अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे कुछ लोग मतलब इंडिया से एजुकेशन के लेने के बाद में मेडिकल सेक्टर में थोड़ा बिजनेस में भी आने शुरू हुए, तो फिर धीरे धीरे कास्ट का यहाँ पे जो एक्सप्लोइटेशन था, डिस्क्रिमिनेशन था, वो उजागर हुआ। तो कुछ केस में आपको बताता हूँ कि जैसे मतलब इंडिया की तरह तो नहीं है कि मतलब अभी वहाँ पे ओनर किलिंग कर देंगे या छत से है या हॉस्टल के छत से कूद के जान देनी पड़ेगी, एटलीस्ट ना तो प्रोटेक्शन है, लेकिन इस तरह का क्लियरली डिफाइंड कास्ट नाम की चीज नहीं होती। हम यहाँ पे वर्क प्लेस पे जाते हैं कि ऑफिस में जाएंगे, कहीं पे मेन बिजनेस पे होगा, तो वहां पे एक बोर्ड लगा होता है पर्दा लाल कि भाई आप यहाँ पे मतलब जेंडर के आधार पे, एथनिसिटी के आधार पे, एज के आधार पे, नेशनलिटी, रिलीजन, ये सब के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन करना कानून का मतलब उल्लंघन है, सजा होगी। तो उसमें कास्ट नहीं है, क्योंकि ये नहीं पता है। तो अभी अवेयरनेस बढ़ना शुरू हुई है एंड केस बाहर आने शुरू हैं, तो अब कास्ट का ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। अब किस तरह के यहाँ पे मतलब डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, तो टेस्टिमोनी के आधार पे बताता हूँ। अभी जो टेस्टिमोनी हो रही है तो वो बहुत सारे, एंड नॉट ओनली अम्बेडकर राइट, जो दूसरे हैं डोमिनेंट कास्ट के लोग, वो भी आ रहे हैं कि किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। तो जैसे जॉब में आप काम ऑफिस में जाते हैं, तो कुछ केसेस, कुछ कैंडिडेट ने इस तरह की टेस्टिमोनी दी है कि ऑफिस में जब तक कास्ट का नहीं पता चलता, सारी टैक्टिक यूज होती हैं, भाई नाम, लास्ट नाम कहाँ से है, किधर से आए हैं, कौन सी इलाके से रहते हैं, बेसिकली वो सब डिकोडिंग के तरीके हैं, उस जगह से ये वाला नाम है तो भाई पूछेंगे उस तरह से क्या कास्ट हो सकती है। ऐसा नहीं तो जैसे कुछ लोगों ने बताया, आई वॉज वन ऑफ देम ऑल्सो, कैसे नहीं पता चला तो कम पे ऐसे हाथ लगा के देखेंगे कुछ थ्रेड वगैरह है नहीं है, तो समहाउ कास्ट का पता चलेगा। तो फिर यदि आप जॉब में हैं, तो जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं, अच्छी मीटिंग, क्रिटिकल मीटिंग है ना, तो इंटेंशनली या कैसे भी आपको उनसे मतलब अलग कर देंगे किसी भी तरह से, ताकि धीरे धीरे आपको जॉब से पीछे करते रहें, आपको मतलब टॉपिक में नोट नहीं करेंगे, आपका अच्छा फीडबैक नहीं देंगे। और दूसरा, कुछ कंपनी में यहाँ पे जो प्रमोशन होता है या सैलरी रेज होता है, वो सब इंटरनल रिव्यू भी होता है एम्प्लॉई के अंदर का। अब यदि कास्ट का पता चल गया तो डेफिनेटली कुछ लोग उसमें मतलब नेगेटिव फीडबैक देंगे, तो बेसिकली करियर में इस तरह से पछाड़ेंगे। और अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स सामने आ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं इंडिया से, वहाँ पे लगता है कि समस्या और भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि एकदम नए नए आते हैं तो कल्चर में पूरी तरह से इंडिया के इनर्शिया में रहते हैं कि सब चलता है, ये नॉर्मल है, नेचुरल है, कास्ट के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, गलत नहीं है। तो जो माइंड सेट है वो एजुकेशन के साथ साथ में पूरा इम्पोर्ट हो रहा है। और कैलिफोर्निया के स्कूल्स में, यहाँ पे कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी का जो स्कूल सिस्टम है, उन्होंने ऑलरेडी बैन कर दिया कास्ट वहाँ पे के आधार पे, यदि आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो जुर्म है। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को पता चलने पे कास्ट के आधार पे उनका रूम शेयर करने से मना कर देते हैं, कि नहीं, हम मतलब उस कास्ट के साथ में रहेंगे। और दूसरा तरीका होता है कि भाई आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप शक के दायरे में आ जाएंगे, फिर कास्ट का पता करेंगे, फिर आपके साथ में जो है ना मतलब इन्फॉर्मेशन क्लास शेयर करना भी वो मना कर देंगे।
और कुछ केस अभी इस तरह के भी आए हैं कि पेरेंट्स ने, मतलब जहां पे अमेरिका में रह रहे बहुत सार से बच्चे आपस में शादी करना चाहते हैं तो उसको भी मना कर रहे हैं कि नहीं, दूसरे कास्ट के साथ में, जिनो लोअर कास्ट वर्सेस अपर कास्ट है, हम नहीं करने देंगे, नो हमारा ब्लड स्ट्रीम बना के रखना है। तो उस तरह के भी केस अभी यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस डर से कि यदि मैं अपने बाहर आवाज उठाऊंगा जाके तो मेरा सोशल बायकॉट हो सकता है, नो तो वो जो ट्रॉमा है उस वजह से बहुत सारे लोग बाहर आना भी नहीं चाहते, नो क्योंकि एक बार कास्ट पता चलता है तो इट्स नॉट लाइक द फिजिकल वायलेंस, आपका सोशल सेग्रीगेशन होगा एंड दैट इज अ मेंटल टॉर्चर कि कास्ट होते ही आपको बाहर निकाल देंगे, यू नो अपने ग्रुप में से निकाल देंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, स्कूल के जो बच्चों का ग्रुप है वो अलग बनाएंगे। तो ये इस तरह की टैक्टिक जो है ना बेसिकली आपको इमोशनली फिजिकली ह्यूमिलेट करेंगे और आपके करियर में आपको पीछे करने की। जब सीएटल में एंटी कास्ट बिल पास हुआ था तब शमन सावंत और उनके सहयोगियों ने कहा था, नाउ सीएटल देन द नेशन बैन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ये नारा पूरे अमेरिका में जाति के खिलाफ चल रहे अम्बेडकरवादियों के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाला है। सीएटल ने जिसकी शुरुआत की थी अब कैलिफोर्निया उसे आगे बढ़ाने जा रहा है, और अगर इसी रफ्तार से एंटी कास्ट जो मूवमेंट है वो चलता रहा तो फिर पूरे अमेरिका में ही जाति के आधार पर भेदभाव को बैन करने की गुंजाइश है कि पूरा एक ऐसा नेशन वाइड लॉ बन जाएगा जिसमें जाति के आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी घोषित किया जाएगा। इससे उम्मीद बढ़ती है और ये बहुत उम्मीद है कि कैलिफोर्निया जो स्टेट है वो असेंबली में आयशा वहाब के इस एंटी कास्ट बिल को पास कर देगी, क्योंकि अब वहाँ पर कास्ट को लेकर काफ़ी चर्चा हो गई है, डिस्कोर्स में आ गया, तो इस बात की उम्मीद है कि वो बिल पास हो जाएगा और कैलिफोर्निया में जाति के आधार पर भेदभाव करने पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाएगी, हमें उम्मीद है। वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका में भी जातिवाद करने वालों की खैर नहीं होगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बार भविष्यवाणी की थी, उन्होंने कहा था कि भारत के सवर्ण दुनिया में जहां भी जाएंगे वो जाति की बीमारी को साथ ले जाएंगे और फिर जाति एक ग्लोबल समस्या बन जाएगी, वैश्विक समस्या बन जाएगी, और उनकी ये भविष्यवाणी सच साबित हुई और जातिवादियों ने वो जहां पर भी गए भारत से उन्होंने जाति का ये वायरस पूरी दुनिया में फैला दिया। लेकिन अब पूरी दुनिया इस दुनिया में बसे अम्बेडकरवादी कास्ट नाम के वायरस की वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर लिखें। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की पत्रकारिता करते रहें तो आप हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। आप इस QR कोड को स्कैन करके सीधे हमारे खाते में मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा UPI और अकाउंट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, आप उसके जरिए अपनी मदद हम तक पहुंचा सकते हैं। आपसे अपील है कि आप हमारी ताकत बने और अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं। हमें सोशल मीडिया के सभी हैंडल्स पर फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी अंशु और मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ बीक।